हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आवाज़ के लिए पार्डन, बिकॉज़ ये वीडियो मैंने जब बनाया उससे नेक्स्ट डे मेरी आवाज़ की हालत हो गई है। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और सर्दी भी है। सो जब तक ये वीडियो बनाया था उस दिन तक फिर भी ठीक थी मैं। यानी ये कल का ही वीडियो है गाइस, कल का ही वीडियो है ये। और आज सुबह उठी तो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई है, तो आज मैं शाम को डॉक्टर को कंसल्ट करूँगी। हम बाहर गए थे और थोड़ा सा कुछ काम था और इसके बाद घर आ गए थे। और आज शीतला सातम वाला दिन है तो सैंडविचेस बना रहे हैं, क्योंकि गर्म खाना नहीं खा सकते। और गुजरात में फेस्टिवल होता है जिसे रांधन छठ कहते हैं, एक दिन पहले पूरा खाना बना के रख दिया जाता है। याद होगा आपको, हर साल करती हूँ मैं, नेक्स्ट डे ठंडा खाते हैं। तो आज वही दिन है, कल हमने रात को कुकिंग किया था और आज खा रहे हैं। सैंडविच बन रहा है, सैंडविच ना, सैंडविच, क्योंकि आज हमारे वहाँ गुजरात में शीतला सातम देवी का वो होता है, उपवास तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस दिन जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों के लिए बासी फूड खाते हैं। उस दिन पूरा दिन घर में गैस चालू नहीं होता, यानी चूल्हा चालू नहीं करते, थोड़ा लगाना बेटा। और हमारी बीवी जी को थोड़ा बुखार आ रहा है, शी इज़ वेरी सिक बना रहे, क्योंकि ऐसे भी आज के दिन गर्म चीज़ नहीं खाई जाती, आज के दिन गर्म चीज़ नहीं खाती, इसलिए हम लोग सैंडविच खा रहे हैं और खा रहे, मजा कर रहे हैं। बस मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मुझे बना के दे, फिर मुझे मेरे शूट पे बैठना। वो पिशा जाती के पहला पापा आप टेस्ट करके बोलो कैसा लग रहा है, वो पापा इसलिए, सामने से बोला कि मैं पहले खाऊंगा, इसलिए मैं पहला खा के टेस्ट करके फिर आपको वो कैसा बना के देंगे। पहले मुझे दे दो, मुझे शूट करने जा रहा है, लेकिन मैं टेस्ट तो करूँ ना। आप टेस्ट कर लो, अभी रुको, ऐसे नहीं लेना, ऐसे ही लेना, काटो हाफ में। मेरी वैसे डांट भी पड़ गई है कि इतनी तबीयत खराब में तुम शूट कैसे कर रही हो, पर कितने दिन से पेंडिंग है विवेक, आपको भी पता है ना कितने दिन से पेंडिंग है। फिर अगर ज्यादा दिन नहीं करूंगी कैसे चलेगा। कैसा बना है? ओह माय गॉड, दिस इज सुपर। मम्मी कैसे बनाया तुमने, जरा दिखाना। सच्ची दिखाना पड़ेगा आप तो सबको। वाओ, दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग। बाबू कैसे बनाया बताना, ऐसे ही दे दूं, ऐसे नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं अच्छे से लगाऊंगी फिर। काट पर प्रिशा, मेरे को देखना पड़ेगा तुम कैसे बना रही हो, कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। सच्ची इसमें ना गाइस, आपको बताती हूँ, मुझे सर्दी खांसी हो गई है बुखार के साथ। आज सुबह में नहीं, ये चटनी विवेक ने बनाई है। आज सुबह की बात बताना। आज सुबह में प्रिशा ने जो भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो प्रिशी ने पूरी की है, क्योंकि मैं बिल्कुल उल्टी पड़ी थी बिस्तर में। और आप लोग सुनते सुनते देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूं। काकड़ी भी वो लेके आई, टमाटर भी वो लेके आई, धनिया भी वही लेके आई, सब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। और अभी के लिए ना चटनी विवेक ने बनाई है। धनिया भी मैं लेके आया था, टमाटर भी मैं लेके आया था, ककड़ी भी मैं ले आया था, मेरी भी फर्स्ट दी मैंने, तो बोला ये चटनी है ना, इन्होंने कुछ ज्यादा ही अच्छी बना दिया। आई थिंक रियली यम। अच्छा तो चूंकि मुझे शूट करना है ना, तो इसीलिए ये लोग सबसे पहले, प्रिशा मतलब अपने पापा को चखा दिया उसने, एक दो पापा ने उसके खा लिए, फिर अब ये पहले मुझे खिलाएगी, क्योंकि मेरे ना आज कई सारे शूट हैं जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और एक वीडियो आज मेरा दोपहर में आया है, वो न्यू चैनल पे आया है, जो कि एक अपडेट वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया भी है कि मैंने अपने कुछ वीडियो क्यों डिलीट किए हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा अभी आप बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि हम कहीं जाने भी वाले हैं, मतलब घूमने के लिए नहीं, घूमना तो पॉसिबल ही नहीं है अभी, क्योंकि बेकस प्रिशा का 12th है एंड शी इज़ वेरी बिजी इन हर स्टडीज़, उसका ट्यूशन, स्कूल तो फिर भी वो कभी कभी मिस कर लेती है स्टडीज़ करने के लिए, बट ट्यूशन तो हम मिस करा ही नहीं सकते। सो घूमना फिरना तो अभी है ही नहीं इस साल, और हम वैसे कहीं जाने वाले हैं बहुत अच्छी जगह पर सिर्फ एक दिन के लिए, वो आप देखना आगे, तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। सो बने रहना चैनल पे, नए वाले पे भी और इस वाले पे भी। एंड मेरी टेंशन ना लेना गाइस, क्योंकि सब लोग कह रहे थे दीदी तबीयत मत बिगाड़ लेना, आप इतना रो लिए हो। मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ फिलहाल, मतलब वैसे ठीक हूँ, इमोशनली अभी मैं बेटर हूँ काफ़ी, और मेरी जो थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ी हुई है वो तो मैं दिखा लूँगी, डॉक्टर का भी फाइन। एंड थैंक यू सो मच, आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं नए चैनल पे भी, एंड आप सब बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो उस चैनल पे भी, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, मेहरबानी आपकी।
एंड इसके अलावा वहाँ पे कौन सा चैलेंज आप देखना चाहते हो नए वाले चैनल पे बाप बेटी का, तो वो ज़रूर बताना विवेक का और प्रिशा का, तो वो चैलेंज में लेके आऊँगी, आप बता दीजिएगा। मैं एक पोल रखने वाली हूँ, आज ही कम्युनिटी पे रख दूँगी, तो मुझे बता देना। और रक्षाबंधन की तैयारियाँ आप सबकी कैसी चल रही हैं? अब लेट्स फॉरगेट ऑल अबाउट जो भी कुछ मतलब मुझे इमोशनली हर्ट हुआ है या जिसको भी हुआ है, एंड फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो अब उनकी तैयारी करते हैं। तो आगे की जो मेरी स्टोरी है लाइक मायके में क्या हुआ था एंड हाउ वी गॉट मैरिड एंड शादी के बाद की जो हमारी, बस वही मैं अब बताने वाली हूँ, तो वो मैं थोड़ा सा अभी रुक के बताऊँगी क्योंकि मुझे त्यौहार की तैयारी करनी है। आप भी त्यौहार की तैयारियाँ कीजिए आराम से, फिर मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँगी। अभी रात के 11 बजे हुए हैं और मैंने अभी अपना एक साड़ी का शूट किया है। तबीयत तो ठीक नहीं थी लेकिन ये शूट अर्जेंट था और मैं कई दिनों से कर नहीं पा रही थी मेरी तबीयत खराब की वजह से। तो आज मुझे फीवर था कल से, मैंने एक और वीडियो भी शूट किया था। अभी बच्चे बाहर सैंडविचेस वगैरह खा रहे थे, आपने देखा ना, क्योंकि आज शीतला सातम थी और जैसे हम लोग गर्म खाना नहीं खाते बच्चों के लिए करते हैं। तो मेरा शूट अभी जस्ट फिनिश हुआ है, मैं कपड़े चेंज करूँगी। एक बात बतानी थी आपको, एक क्वेश्चन आया है मेरे पास कि क्या विवेक आपसे उम्र में छोटे हैं? तो जी नहीं, वो मुझसे 6 साल बड़े हैं। विवेक मुझसे 6 साल बड़े हैं। मैंने कहा आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ, अभी थोड़ी देर बात भी कर लूँ आपसे और कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दूँ। साड़ी अच्छी लग रही है ना, ये रक्षाबंधन या फिर कोई भी फेस्टिवल, अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल्स लाइन से आ रहे हैं तो आप इसको मंगा सकते हो। मेरा साड़ी वाला वीडियो देख लेना अमेजन का। और तो आपको ना एक बहुत अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ, रक्षाबंधन पे कुछ गिफ्ट आया है मेरे लिए, मेरे मामा के बेटे ने मेरे लिए भेजा है। और आप भी चाहो तो रक्षाबंधन पे अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हो इस तरह से, या किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। आप अपनी ननद के लिए ले सकते हो, सपोज आपकी ननद तो आएंगी ना राखी बांधने के लिए। तो ये देखो कितनी अच्छी चीज़ आई है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये है ज़ूक का बैग, ये मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो बैग मैं हाथ में अक्सर लेके यूज़ करती हूँ। आपने देखा होगा बाहर जाते हो कितनी बार मैं एक बड़ा सा बैग लेती हूँ। और ज़ूक बैग जो है, ये जो ब्रांड है ये इंडियन ब्रांड है और इसमें जो लेदर लगा हुआ है दैट इज वीगन, और मींस के किसी भी एनिमल पे क्रुएल्टी नहीं हुई है, ये क्रुएल्टी फ्री है। एंड स्पेस की बात करूँ तो उसमें बहुत अच्छा स्पेस है। चलो इसका स्पेस देख लेते हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है बैग। दिस इज वेरी प्रिटी एंड वेरी स्टाइलिश बैग। और ज़ूक के बैग्स तो आपने भी सुना होगा, काफी फेमस है ज़ूक ब्रांड, ऐसा नहीं है कि फेमस नहीं है। चलो इसको ओपन करके देखते हैं, इसमें बहुत सारा स्पेस है गाइस। ये देखिए दुनिया भर का स्पेस है, अभी तो मैंने न्यूज़पेपर्स निकाले नहीं है इसमें से। देखो कितना स्पेस है इसके अंदर, आपको एक छोटा वाला वो भी मिल रहा है जो चेन होता है ना, इसमें कॉइन वगैरह रख लेते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बैग है और पीछे भी आपको एक ऐसे जिप मिल रहा है। स्पेस ही देख लो कितना है, मतलब कहीं बाहर जा रहे हो तो भी चले, किसी ट्रैवल पे जा रहे हो तो भी चले। तो कैसा लगा सच्ची बताना आपको मेरा बैग, है ना बढ़िया एकदम खूबसूरत सा। और आप चाहो तो इसे ऐसे ले लो, यहाँ पे कंधे पे इस तरह से लेते हैं ना, या फिर आप चाहो तो इसे इस तरह से भी ले सकते हो ऐसे करके, या फिर आप सिंपली पकड़ सकते हो ऐसे करके, आपकी चॉइस पे डिपेंड है आपको कैसे लेना है। बहुत ही अच्छे बैग्स हैं, स्पेशियस हैं और इनका अगेन मैं बोल देती हूँ वीगन है और क्रुएल्टी फ्री बैग्स हैं। और अगर मेरा कोई भी कूपन है ना तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, तो ये आप लगाओगे तो आपको अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मेरा कूपन कोड अगर होगा तो वो लिख दूंगी, सो चेक कर लेना। इसके साथ में एक क्लच और आया है, तो आप चाहें तो ये वाले गिफ्ट अपनी बहन के लिए, अपनी ननद के लिए, किसी के लिए भी खरीद सकते हो अभी रक्षाबंधन पे। तो ये देखिए ये वॉलेट है, फुल वॉलेट, और इसके अंदर अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। और देखिए कितने सारे कंपार्टमेंट हैं, यहाँ पे कार्ड्स वगैरह, यहाँ पे सब कॉइन्स वगैरह, बीच में भी चेन है ना। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्लच है, मतलब वॉलेट कह सकते हैं, क्लच कह सकते हैं, ऐसे क्लच टाइप है ये वॉलेट। यहाँ भी एक जिप मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छे बैग्स हैं, मैं इन्हें हाईली रिकमेंड करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाइंग लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। अभी की भी आज थोड़ी सी तबीयत नरम है, उसको भी मैंने दवाई दे दी, और मैं भी अभी एक पैरासीटामोल खाने वाली हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने सोचा चेंज करने से पहले आपसे 2 मिनट बात कर लूँ और आपको बता दूँ। तो विवेक मेरे से उम्र में बड़े हैं, 6-7 साल बड़े हैं वो मुझसे। और एक कमेंट आया था नए वाले चैनल पे
किसने किया था मैं नाम तो भूल गई, उन्होंने लिखा था कि मुझे विवेक विवेक जी बहुत अच्छे लगते हैं और लव यू विवेक जी। और उन्होंने ऐसा भी लिखा था रुचि दीदी, ऐसा लिखा था रुचि दीदी बुरा मत लगाना, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे बुरा नहीं लगा है, आफ्टर ऑल वो मेरे हस्बैंड हैं, तो मतलब मेरे साथ उनका भी ये चैनल है और आप लोग जब उनकी तारीफ करते हो या प्यार दिखाते हो ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, मैं ऐसे उनके ऊपर शक नहीं करती हूँ और ना ही अपनी ऑडियंस के ऊपर। तो थैंक यू जिसने भी लिखा था, और नए वाले चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, और मेरे लाइफ की स्टोरी पे भी आपने जो जिस तरह से साथ दिया सबने। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरी कम्युनिटी ज़रूर चेक करना आप, जब भी कोई ऐसा कमेंट आता है ना कि सम वुमन इज़ सफरिंग, मैंने एक चीज़ देखी जब से मैंने अपनी स्टोरी शुरू की है बतानी, मैंने वीडियो क्यों हटाए हैं वो सब मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं वो सब दोबारा डिस्कस नहीं करूँगी। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जिसको जो बोलना है, क्योंकि मैंने क्यों हटाए वो मैं जानती हूँ, है ना। मेरे हस्बैंड की आँख में आंसू आए और मेरी बेटी परेशान हुई, बस बस हो गया, उसके आगे कुछ नहीं आता है फैमिली के आगे। एंड लोग मेरे तक जाते ना, मेरे कैरेक्टर तक जाते तो चलता, लोग मेरी बच्ची के बच्ची को भी नहीं छोड़ा, मेरे पति के कैरेक्टर पे भी गए, ये चीज़ मेरे दिल में तन बदन में आग लगा दी। और जब विवेक की आँख में आंसू आया ना, उसी मोमेंट मैंने वीडियोज़ को हटा दिया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उस पर व्यूज़ ज़्यादा थे ना इसलिए वो हटा दिए, क्योंकि व्यूज़ मिल गए डॉलर बन गए, मुझे ये समझ में नहीं आता, मतलब डॉलर बन जाते हैं तो लोगों को दर्द क्यों होता है। आप भी बनाओ ना, आप भी मेहनत करो, अपना कंटेंट लाओ बढ़िया बढ़िया, सक्सेसफुल हो जाओ हमारे जितनी मेहनत करो, हम भी बहुत मेहनत किए हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं अकेली नहीं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो आज सक्सेसफुल हैं बहुत मेहनत करके ऊपर आए हैं गाइस, तो आप लोग भी करो मेहनत, किसने मना किया है, यूट्यूब चैनल तो कोई भी ओपन कर सकता है, इट इज़ टोटली लाइक यू नो दो मिनट में आप जीमेल आईडी बनाओ और अपना यूट्यूब चैनल बना लो और करो उस पर मेहनत। मुझे ऐसा लगता है जब एक इंसान जॉब करता है 9 to 5 या 9 to 6, जब उसको एक अच्छी सैलरी मिलती है, वहाँ पे पेट में दर्द नहीं होता है, लेकिन जो हम जैसी व्लॉगर्स घर पे बैठ के मेहनत कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं, भैया उनसे बड़ी जलन है भाई, जलन के मारे मरी जा रही हैं औरतें, इनको ये प्रॉब्लम है कि इस किसी की लाइफ इतनी बेटर कैसे हो सकती है, कोई औरत घर बैठ के घर का काम करते करते इतना पैसा कैसे कमा सकती है यार, बड़ा बड़ा मुश्किल है, इतना इजी नहीं है, आप खुद करके देखो। मैं तो कह रही हूँ जितने भी लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं ना, मैं उनको मोटिवेट कर रही हूँ ये कह के, मैं उनको बुराई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कि आप खुद करके देखो, हो सकता है आप भी सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि व्लॉगिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ईजी भी नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है, करते करते आदत हो जाती है। हाँ मेहनत बहुत है, 24/7 बिजी रहना पड़ता है। आप आज के एग्जाम्पल से देख लो, मुझे बुखार है, मुझे सर्दी खांसी है, लेकिन मैं तैयार बैठी हूँ देखा कि नहीं मेकअप करके, और पूरा वीडियो मैंने शूट किया है जो आप देख भी लोगे, है ना। तो मेहनत तो बहुत है, चाहे तबीयत कैसी भी है, काम करना है तो करना है। और एडिटिंग कर करके मेरी आंखों में प्रॉब्लम आ गई, आप लगा लो, एडिटिंग कर करके मेरी इस आंख में प्रॉब्लम आ गई है, आई साइड भी बहुत वीक हो गई है, जिस वजह से मैं बिना चश्मे के भी नहीं रहती आजकल। तो ऐसा नहीं है मेहनत नहीं है, मेहनत बहुत है, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, बहुत मेहनत है। एक यूट्यूबर दिन रात मेहनत करता है, जैसे एक 9 to 5 की जॉब होती है ना, उसमें तो इंसान 9 o'clock जाता है, 6 o'clock घर पे आके फ्री हो जाता है, लेकिन इसमें तो आपको लगे ही रहना पड़ता है और आपका ब्रेन तो हर वक्त वर्क करता है, मतलब अगर आपने आप खाली भी बैठे हो तो आपके ब्रेन में तो चलता ही रहता है कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, क्या कंटेंट देना है, कौन सी रेसिपी बनानी है, कौन सा वीडियो बनाना है। सो इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, और इतनी सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती है, मेरे से भी ऊपर सक्सेसफुल अभी और यूट्यूबर्स हैं, बट मेरे तक पहुंचने के लिए भी बहुत मेहनत है, और मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ कि आप लोग भी मेहनत करो इस प्लेटफॉर्म पे, हो सकता है आपकी भी किस्मत चमक जाए, अगर आप हार्डवर्क दिल से करोगे डेडिकेशन के साथ जैसे हमने किया मैंने किया है, तो आप भी आगे आ जाओगे। तो इतना जल क्यों रहे हो यार, मत जलो इतना, बहुत जलन है भाई मेरे से, मुझे सब पता चलता है कि बहुत जलन है मुझसे, बहुत जलन है कि ये क्यों जो है अच्छे कपड़े पहनती है, ये क्यों अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाती है, और ठीक है ना मैं सब करती हूँ, मेरी लाइफ है, मेरी कमाई है, मैंने कमाया है मेहनत से, और बहुत मेहनत करती हूँ मैं, आप जितना सोच नहीं सकते उतनी मेहनत करती हूँ अपने परिवार के लिए। और सोच के देखो यार कि जब मैं अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ ना, अपनी नींद देखती ना, सुख आराम देखती, मुझे नींद भी नहीं मिलती ठीक से, पूरा दिन सोई सोई रहती हूँ तो भी एडिटिंग करती रहती हूँ, तो फिर अगर मेरी फैमिली की आंख में आंसू आएंगे तो मुझे कितने नागवार गुजरेंगे। तो जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर।
ओके चलिए, तो इस वीडियो को छोटे से मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि विवेक जो है वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, छोटे बिल्कुल भी नहीं है, मुझसे बड़े हैं गाइस। तो आप ऐसे ना सोचे कि मुझसे छोटे हैं, वो नहीं, मुझसे 6-7 साल बड़े हैं वो, और अच्छे इंसान हैं वो, बहुत अच्छे इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात कि गुस्से वाले हैं लेकिन उनका दिल बड़ा प्यारा है यार, सच्ची इज़ वेरी स्वीट। और ये रीज़न है कि शादी के इतने सालों के बाद भी एक जो नरमाहट गर्माहट रिलेशनशिप में होती है ना, वो हमारी बनी हुई है, बिकॉज कहीं ना कहीं ही इज़ हैविंग अ वेरी प्योर सोल, प्योर हार्ट। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं भी ज़्यादा उनके साथ कनेक्टेड रहती हूँ। चलिए, मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो जाती हूँ। चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग में, बाय, लव यू।